प्रथम लागु दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन लाक तलीला लेडिया मेरे जीव के ही जीवन इन पाम तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बातुन पल नवालों निरखूने त्रे मेरे जीव के ए ही जीवन मेरे जीव के ए ही जीवन अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक जैसे आज्ञा धनी की सो बातें बुजरक पहले मूल अद्वैत में ओम जहां इश्क ताहा प्रेम रब्द में भया हो कम हक भया हो कम हक धन प्रेमी सजना जब से यह सृष्टि पैदा हुई है तब से मानव मन में ये जिज्ञासा बनी ही रहती है को अहम कुता आगतोस्म कुत्र गमिष्याम मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मैं कहाँ जाऊँगा। वेदांत का पहला सूत्र इसी विषय से शुरू होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय यदि ब्रह्म की जिज्ञासा न की जाए केवल परंपरागत रूढ़ियों के पीछे अंधाधुंध दौड़ा जाए तो सत्य की खोज कभी भी संभव नहीं हो सकती है। आज आपको उस परम सत्य की खोज पर प्रकाश डाला जाएगा जो श्री देवचंद जी के द्वारा खोजा गया जिनके अंदर परम धाम की अलौकिक आत्मा ने हम सबके कल्याणार्थ वह सत्य मार्ग प्रशस्त किया जो सारे संसार के लिए कल्याणकारी है। आप जिस पंचभौतिक जगत में रह रहे हैं यह स्वप्नमय है और वर्तमान समय में ऐसा कलयुग का वातावरण है जिसमें धर्म का लोप बहुत अंशों में ही दिखाई दे रहा है। यदि देखा जाए तो कलयुग को अवस्था विशेष भी कह सकते हैं। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कलेश सयानो भवति संज्ञाना तु द्वापर उत्तिष्ठ भवति तेत्रा धाव माना कृतयुगम। जब व्यक्ति सो रहा है तो वह कलयुग में रमण कर रहा है जब उठ करके बैठ जाता है तो द्वापर युग में प्रवेश कर लिया जब ज्ञान के प्रकाश से उठकर खड़ा हो जाता है तो त्रेता युग में चल रहा है और जब सत्य की राह पर चल पड़ता है दौड़ने लगता है परम सत्य को पाने के लिए तो वह सतयुग में जीवन व्यतीत कर रहा होता है। लेकिन इस समय ऐसे दो अलौकिक व्यक्तित्व का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा जिनके बारे में पुराण संहिता में 16 श्लोकों के अंदर भगवान शिव ने कह रखा है।
उसमें व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास, सुंदरी चैंद्रा नामाभ्याम चंद्र सूर्ययो माया अंधकार विनाशाय प्रतिबुद्धे भविष्यतः कलयुगे। एक ऐसा समय आएगा जब सूर्य और चंद्रमा नाम वाले दो तन प्रकट होंगे, यानी एक के नाम का भाव सूर्य से लिया जाएगा और एक के नाम के साथ चंद्र शब्द जुड़ा रहेगा। उनके द्वारा जो अलौकिक ज्ञान का विस्तार होगा उससे सबको पता चल जाएगा सच्चिदानंद परब्रह्म कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है। और जो उस अलौकिक ज्ञान का श्रवण करके आत्मसात कर लेगा, निश्चित ही है वो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जिसके लिए सांख्य दर्शन का पहला सूत्र कहता है अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवर्ते अत्यंत पुरुषार्थ। जिसके लिए वेद कहते हैं तमेव विदित्वात् मृत्यु मेति नान्य पंथा विदितेना। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी मार्ग नहीं है। और यह जो अभी तक कथा का आयोजन किया गया है ये केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि सबको उस परम सत्य का बोध हो जो संप्रदायों की परिधि में नहीं आता, जो मानव मात्र को उस सत्य का यथार्थ दर्शन कराने वाला है कि कहाँ है वह परमात्मा, कैसे हम उसको पाए। आप जिस पंचभौतिक ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो तो त्रिगुणात्मक है, पंचभूतात्मक है। महाभारत का कथन है कि जगत मोहात्मकम प्राहु अव्यक्तात् व्यक्त संचिकम, अव्यक्त कारण प्रकृति से ही यह मोहमयी जगत प्रकट हुआ। यह मोह अक्षर ब्रह्म के मन के संकल्पों के परिणाम स्वरूप व्यक्त रूप में देखने को मिला और इसी मोहमयी जगत के अंदर अक्षर ब्रह्म की ज्ञान धारा प्रकट हुई वेद के रूप में, सबसे पहले नारायण के अंदर। और वो नारायण भी क्या है, अक्षर ब्रह्म के मन का संकल्पिक स्वरूप, स्वाप्निक स्वरूप जिसको कह सकते हैं। पुराण संहिता में इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है, तस्मात नारायण जगे स एव प्रणव अभिधा। उस मोह सागर में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ जिसको प्रणव भी कहते हैं। अक्षर का जो अव्यक्त मन है वो मूलतः प्रणव कहा जाता है, उसका स्वाप्निक रूप भी प्रकृति में प्रणव ही कहा जाएगा। वेद में उस चतुष्पाद विभूति का वर्णन है, पुरुष सूक्त में अनेक चारों वेदों में पुरुष सूक्त आया है और उसमें वर्णन है त्रिवेह पद्मद्याम आरोहत पादस्य ए अभवत पुनः, कि ब्रह्म के तीन पाद विशुद्ध चेतन प्रकाशमय और अखंड है और जो उसका एक पाद चौथा पाद है अव्याकृत वही स्वप्न के रूप में इस सृष्टि में प्रकट होता है जो नारायण कहलाता है। मनुस्मृति में भी यह बात दर्शाई गई है आपो नारा इत प्रोक्ता आपो वै नर सुनव ता यदस्य अयनमित नारायण इति स्मृता। जो मोह सागर है उसको कहते हैं आप और उसी को नार कहते हैं, नार का अर्थ जल भी होता है, उसको आपा भी कहते हैं। इसमें अक्षर का मन प्रतिबिंबित होकर नारायण के रूप में दृष्टिगोचर होता है जिसको वेदांत की भाषा में सबल ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, आदि नारायण कहते हैं या स्वाप्निक प्रवण कहते हैं, प्रणव कहते हैं। अक्षर का स्वाप्निक मन जब तक ये चल रहा है तब तक ये सृष्टि का रूप दिखाई दे रहा है, जैसे ही प्रलय का संकल्प होगा सारी सृष्टि विलीन हो जाएगी। सृष्टि रचना के इतिहास को बिना तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में नहीं जाना जा सकता। संसार के मनीषी जन समस्त प्रयास करने के बाद भी इस मोह सागर के आवरण को पार नहीं कर पाए और इसमें प्रतिबिंबित जो आदि नारायण ईश्वर या सबल ब्रह्म का स्वरूप उन्हें दृष्टिगोचर हुआ उसी को उन्होंने ब्रह्म का स्वरूप मान लिया। लेकिन अब जिस कथा का प्रारंभ किया जा रहा है उसमें यह दर्शाया जाएगा कि कैसे श्री देवचंद जी के द्वारा इस निराकार मोह सागर से परे उस परम सत्य की खोज की जाती है कि इस जगत से परे कैसा है वो बेहद मंडल जिसको योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं, वेद की भाषा में जिसको चतुष्पाद विभूति कहते हैं। वेद मंत्रों में संकेत तो दिया गया है लेकिन कोई जान नहीं पाया कि त्रिपाद उर्त उदयत पुरुष का रहस्य क्या है।
त्रिपाद अमृत से परे जो ब्रह्म है उसके बारे में कोई जान नहीं पाया। सबने कहीं ना कहीं इधर उधर से व्याख्याएं जोड़कर, कहीं काइट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा की तरह इसकी व्याख्या कर ली। जब चतुष्पाद विभूति में योग माया का स्वरूप माना जा रहा है, इस जगत को महात्म का मोह से पैदा हुआ और लय होने वाला कहा गया है, तो ब्रह्म का स्वरूप जिसको अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान कहा गया है, कैसे इस जगत के कणकण में माना जा सकता है? ऐसे समय में विक्षरन्तु मन चक्र योग माया उपाश्रिता, अपनी आत्माओं के साथ अनन्य प्रेम की लीला दर्शाने के लिए, क्योंकि अक्षर की आत्मा जानना चाहती है अनन्य प्रेम होता क्या है। सत्ता के स्वरूप ने अनन्य प्रेम का रसस्वादन किया नहीं होता है। दृष्ट्वा कुमुद वनंतम अखंड मंडलम रमान नाभम, वनम च तत् कोमल गो विरंजितम जगौ कलम वाम दृशा मनोरम। दृष्ट्वा कुमुद वनंतम, उस समय ऐसा योग माया का ब्रह्मांड बना नित्य वृंदावन के नाम से, इस नश्वर जगत में नहीं था वो, प्रकृति से परे है। घर थे तीर्थ ब्रह्मांड थे अलगो, ते तारतम्य गिधो निर्धार। अखंड मंडलम रमान नाभम, अखंड मंडल का वह चंद्रमा लक्ष्मी के सुंदर मुख को भी लज्जित करने वाला वह चंद्रमा दृष्टगोचर हुआ। वनम च तत् कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशा मनोरम, और अलौकिक नृत्य वृंदावन की रचना हुई जिसमें प्रीतम परब्रह्म ने अति सुंदर वेणु वादन किया जिसको सुनकर सारा ब्रह्मांड मुग्ध हो गया। यह लीला ऐसी ही नहीं हो गई, इस संसार में परमधाम की अनन्य प्रेममयी लीला को दर्शाने के लिए 11 वर्ष 52 दिन तक लीला का आयोजन किया गया था। रास में अक्षर की आत्मा को दर्शाना है कि प्रेममयी लीला का रहस्य क्या है, और अनहोनी घटना के रूप में जैसे कि परमधाम की आत्माओं का अवतरण हुआ, सच्चिदानंद परब्रह्म की आनंद स्वरूप आत्माओं ने उनसे मांगा था कि परब्रह्म हमें अक्षर ब्रह्म की वो माया की लीला देखने की इच्छा है। प्रीतम अक्षर अतीत ने बार बार मना किया था कि नहीं, उस लीला को तुम मत देखो। पुराण संहिता में अति सुंदर वर्णन किया गया है, करकरा सरकरा न स्याद विषम अमृतम न पिवेत। सखियों का कहना है, एक तरफ राज्य कह रहे हैं, दूसरी तरफ संख्या कह रही है, बालू सरकरा करकरा न स्यात, चीनी सरकरा बालू नहीं हो सकती, बीस अमृत नहीं हो सकता, चिंता मणि न पासाड़ो, चिंता मणि पत्थर नहीं हो सकता, दीवा रजनी न भवित, दिन रात्रि नहीं हो सकता। लेकिन हमारे प्रीतम, आप कैसे हो जो हमारी एक छोटी सी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हो? राज्य कहते हैं, तुम जिस माया की दुनिया में जाना चाहती हो, उस माया की दुनिया में काम क्रोध मद लोभ अहंकार रूपी ऐसे शत्रु हैं जो किसी को भी निकल लेते हैं, वहां प्रेम नहीं आनंद नहीं, वो माया की रात्रि की ऐसी लीला है जिसमें तुम जगह जगह मुर्दों का वासा देखोगे, मरे हुए प्राणियों को देखोगे, दुख से बिलखते उन प्राणियों को देखकर तुम व्यथित हो जाओगे, उस लीला को देखने की इच्छा न करो। आप सुनिए कितने मधुर शब्द हैं दोनों के संवाद का। फूल पद्मम सरस त्यक्त्वा मृग तृष्णाम नुधावथा मामानंदं परित्यज्य पाषाणां पूजिष्यथ। पूर्णानंद पदे नाथ दुर्लभं किं न विद्यते तथापि महति नाथ तृष्णैकत्वत्प्रियासु च।
शर्करा कर्करा न स्याद् अमृतम् न विसंभवेत् चिंता मणिर्न पाषाणो न दिवा रजनी भवेत् यत्र क्रीडन्ति नो हंसाः काकोलुक शिवास्पदे यत्रात्मानं तु विस्मृत्य रूपांतरमुपेत्य च। ऐसी अलौकिक मनोहर वार्ता होती है, दोनों का संवाद होता है और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए परब्रह्म की आत्माओं का अवतरण हुआ था ब्रज में। आपने सुना किस प्रकार से 11 वर्ष 52 दिन के पश्चात परमधाम की आत्माएं रास के लिए प्रस्थान करती हैं। अक्षर की आत्मा है जो शिखर के तन में विराजमान होकर इस लीला को देख रही होती है। वहाँ पर वो महाराज की क्रीड़ा की जाती है। महाराज का तात्पर्य केवल नृत्य और रामते नहीं है, प्रेम और आनंद का सागर आपस में क्रीड़ा कर रहा है। स्वलीला अद्वैत प्रेम की लहरें आपस में उमड़ने लगती हैं तो इसको कहते हैं महारास। जो संसार से पृथक है, प्रेम का विशुद्ध स्वरूप जिसमें देखने को मिलता है, जिसमें माया नहीं है, काम क्रोध मद लोभ के विकार नहीं है, शरीर नहीं है, आत्मा और परब्रह्म की अनंत क्रीड़ा ही रास है। कहा है उपनिषदों में, तैतरी उपनिषद का कथन है, रसो वैसा रस की राशि परब्रह्म का प्रेम रूपी समुद्र जब क्रीड़ा करने लगता है, उमड़ने लगता है, तो वही रास है। सागर और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं है और संसार के लोगों को यही दर्शाने के लिए लीला अवतरित हुई थी कि संसार के लोग समझ जाएं कि प्रेम किसको कहते हैं, महारास किसको कहते हैं और जीवन का स्वरूप लक्ष्य ही तो महारास होता है, जिसमें शरीर से कोई बंधन नहीं रहता, संसार का कोई बंधन नहीं रखता, आत्मा अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के अनंत प्रेम रूपी सागर में क्रीड़ा करते करते स्वयं को भूल जाती है, यही महारास है। और यही अक्षर की आत्मा को दिखाना था और उसका प्रतिबिंबित रूप इस संसार में झलक के रूप में दिखाया गया, जिसके द्वारा संसार के लोग थोड़ा बहुत प्रेम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब परमधाम की वही आत्माएं पुनः परमधाम पहुंचती हैं, क्योंकि अभी इच्छा की पूर्णता अभी नहीं हो पाई थी। संयोगवश कलयुग के प्रथम चरण में उनका अवतरण होता है, इसलिए पुराण संहिता में व्यास जी यह बात दर्शाते हैं, कले धन्य कले धन्य कले धन्य महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम वासना समुपाविशन। व्यास जी, यह कलयुग धन्य है जिसमें सच्चिदानंद परब्रह्म के आवेश स्वरूप का उनकी आत्माओं के साथ अवतरण होना है और जब वे अवतरित होंगे तो परमधाम का अलौकिक ज्ञान भी संसार में आएगा। आप चारों वेदों का चिंतन कीजिए, केवल चतुष्पाद विभूति को प्राप्त करने का ही ज्ञान मिला है, इससे आगे की का ज्ञान इस सृष्टि के लिए कोई विशेष सार्थक भी नहीं हो सकता था, क्योंकि परमधाम से न कोई आ सकता है न यहाँ से कोई परमधाम जा सकता है। इसका मूल कारण यह है कि स्वलीला अद्वैत में न तो वृद्धि हो सकती है न ह्रास हो सकता है, किंतु अपनी सुरता से चित्त वृत्ति से परमधाम के आत्माओं का पदार्पण हुआ और उनके साथ परमधाम का वह अलौकिक ज्ञान अवतरित हुआ जिसको लाने में सहायक बने ये दो तन, जिनकी कथा अब प्रारंभ होती है। पहला तन है श्री देवचंद जी का, जिसमें सच्चिदानंद परब्रह्म की हिलादनी शक्ति श्यामा जी की आत्मा एक छोटे से बालक के अंदर प्रविष्ट होती है, जिसका नाम है देवचंद्र। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो ये विचार, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरदार।
11 वर्ष की अवस्था में वो बालक सोचता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है। अपने इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वो भटकता है, सबसे पूछता है कि कोई मुझे तो बताए परमात्मा कहाँ है, कहाँ मैं उसको खोजूं। अंदर आत्मा है, परम धाम की तड़प रही है स्वयं को जानने की प्यास में, क्योंकि जो विरहनी होगी परम धाम की आत्मा होगी उसको खारे जल का यह संसार कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। परम धाम के आनंद में विचरण करने वाली ब्रह्मात्मा भला इस तृष्णा से भरे मायावी जगत में कैसे शांति का अनुभव कर सकती है। सभी लोग जैसा कि रटी रटाए बात जानते हैं, एक ही बात कह देते हैं कि तुम्हें भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, परमात्मा तो जगत के कणकण में बैठा हुआ है। अब वो सोचते हैं कि मुझे कोई अस्पष्ट बात तो बताता नहीं। उनके गांव में राधा कृष्ण का एक मंदिर था, प्रतिदिन जाते हैं देवचंद जी, दंडवत परिक्रमा करते हैं, घंटों परिक्रमा करते हैं, लेकिन जड़ मूर्ति क्या बोलती। अंत में निराश होकर सोचते हैं कि कहीं ऐसी जगह चलूं, उनका जन्म होता है उस उमरकोट गांव में जो आज पाकिस्तान में चला गया है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां किसी साधु संत का आवागमन होता ही नहीं था। उससे लगभग 125 किलोमीटर दूर से भी अधिक दूरी पर भोजनगर पड़ता है। उनको पता चला कि मेरे गांव के राजा का विवाह होने जा रहा है भोजनगर नगर के क्षेत्र की तरफ, यदि उनके साथ मैं चलूं तो मुझे घर से निवृत्ति मिल जाएगी। पिताजी कोई धनवान विशेष नहीं रहते हैं, पिता का नाम है मत्तु मेहता, माता का नाम है कुंवर बाई। उम्र के ढलान पर बालक का जन्म हुआ होता है देवचंद्र का। हर पिता को अपना पुत्र प्यारा होता है, कोई मोह के बंधन से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन जो परम धाम की आत्मा है वो तो सारे बंधनों को तोड़कर निकल जाती है। क्योंकि जब इस तन स्वरूप का प्रकटन हुआ था तो सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया था। सुखदायी सबन को अखंड करन हार, विश्व बंदे अक्षर लो सुके परीक्षित सो कहीं वो विचार। यह कौन सा स्वरूप है जिसके अवतरण होने से सब में प्रसन्नता फैल गई कि अब हम निराकार से परे का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। निराकार के पार का ज्ञान लाने वाला यही स्वरूप है, लेकिन अभी इस संसार की मर्यादा के अनुसार लीला का प्रारंभ है। जब उनको पता चलता है कि बालक की बारात जाने वाली है, सोचते हैं कि माता पिता तो ऐसे जाने नहीं देते, छिप करके घर से प्रस्थान करते हैं। किसी की जिज्ञासा को दबाएंगे तो क्या होगा, जिज्ञासा तो फूटेगी। धरती की आग को दबाएंगे तो ज्वालामुखी फूटेगा। बालक के मन में जो जिज्ञासाएं हैं उसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो घर छोड़कर भागेगा। और श्री देवचंद जी ने यही किया आत्मकल्याणार्थ, उन्होंने गृह का त्याग कर दिया, खाने का सामान छिपा करके रखा, माता पिता से नजर बचाकर एक दृढ़ संकल्प के साथ निकल पड़ते हैं। आप सोचिए पैदल जाना है, 16 साल की अवस्था है, 10 15 20 किलोमीटर हो तो चल जाए, शाम ढल गई है, लेकिन परमात्मा उसी को तो मिलेगा जो सिर पर कफन बांध कर निकलता है, जो ये नहीं सोचता कि कितना कष्ट होगा। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी उस सच्चिदानंद परब्रह्म को पाने के लिए यदि हम थोड़ा भी कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे मिलेगा। लोग तो सोचते हैं सरल भक्ति का रास्ता निकाल रखा है, शिवलिंग पर पानी गिरा दिया, शंकर भगवान खुश, शालिग्राम को कुछ भोग प्रसाद चढ़ा दिया, तुलसी के पत्ते चढ़ा दिए, भगवान खुश, सोचते हैं कि इसी से मोक्ष मिल जाएगा, गंगा में स्नान कर लिए, सोचते हैं कि हमें हमारा तो कल्याण हो गया। जब तक प्रेम की गंगा में स्नान नहीं करेंगे आपको कैसे बोध होगा कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है परमात्मा। यदि इन्हीं रूढ़िवादिता पर चलते रहे, शालिग्राम और शिवलिंग को जल चढ़ाना, फूल पत्ते चढ़ाना, मिष्ठान चढ़ाना,
गंगा स्नान ही सब कुछ हो गया तो वेदों के अवतरण की आवश्यकता क्या है, ध्यान समाधि की आवश्यकता क्या है। लेकिन कलयुग में जो भक्ति के नाम पर सस्ता मार्ग चल गया उसने सबको राह से भटका दिया है। किंतु यह परम धाम की ब्रह्मात्मा है, उसको शिवलिंग में की पूजा में शांति नहीं, शालिग्राम की पूजा में शांति नहीं, वो परम तत्व का मार्ग जानना चाहती है। देवचंद जी नजर बचाकर घर से निकल पड़े। जो राजा का मंत्री था उसने मना कर दिया था कि मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम्हारे पास कोई घोड़ा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, इतनी दूर तुम कैसे जा सकते हो, नहीं कोई ले जाए तो क्या, प्रीतम से तो मिलना ही है। और देवचंद जी चल पड़ते हैं रेगिस्तान में जिसमें कहीं रास्ता नहीं मिलता, वो कहीं दूर तो होता नहीं, एक हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ा रहता है। जिन आंखों से हम संसार को देखते हैं उन आंखों से प्रीतम को कैसे देखा जाए। यत चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुंसि पश्यन्ति तदेव तद ब्रह्म न इदम यद इदम उपास्ते। जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसकी शक्ति से आंखें देखती है। यत मनसा न मनुते येन आहु मनोमतम तदेव तद ब्रह्म न इदम यद इदम उपास्ते। मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, जिसकी शक्ति से मन मनन करता है वही ब्रह्म है। इसलिए परब्रह्म कहीं भी दूर नहीं है। वेदों ने डिंडिम घोष के साथ कहा है कि परमात्मा कहाँ है, दुरात सुदूरे तद एव इह अंत के चा, दूर से दूर है और सबसे अधिक निकट, अणु से भी निकट, परमाणु से भी निकट हमारी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होता है। कभी जनक की सभा में याज्ञवल्क ने घोषणा करके कहा था, यह आत्मन तिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस देश में यद्यपि उद्घोष किया जाता है कि आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से परमात्मा विद्यमान है, उस देश के लोग शालिग्राम और शिवलिंग में, पत्थरों में, वृक्षों में, नदियों में उस परमात्मा को ढूंढा करते हैं, अपनी आत्मा के अंदर ढूंढने का प्रयास नहीं करते। अब वही सर्वशक्तिमान प्रीतम अपनी अवेश शक्ति से एक ऐसे सिपाही के भेष में, सैनिक भेष में, बर्छी है, ढाल है, भयंकर रूप में, दाढ़ी के रूप में वाले के रूप में दर्शन देते हैं। और देवचंद जी का सम्मान उठा लेते हैं दौड़ते दौड़ते, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैं दौड़ते दौड़ते पहुंच जाऊंगा। प्रीतम को पाने की राह यहां से सरल हो जाती है जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मेरा प्रीतम मुझसे अवश्य मिलेगा। यदि हमारे अंदर संशय के बादल छाए हों तो वो नहीं मिल सकता। अटूट समर्पण, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, उसको पाने का सरल मार्ग है। आप संसार के सारे ग्रंथों को याद कर लीजिए, दिन रात व्याख्यान दीजिए, लेकिन आप में श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, तो आपसे इतना दूर है कि लाखों जन्मों में भी आप उसको पा नहीं सकते। किंतु यदि आपके पास प्रेम है, आपने अपना हृदय समर्पित करना सीखा है, तो आपके पास वह स्वयं चल करके आता है। और देवचंद जी ने किया, पठान भेष में मिलते हैं, तलवार भी उनकी ले लेते हैं और सारा सामान ढो करके लक्ष्य तक पहुँचा देते हैं। उनको देखकर सारे बारात के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देवचंद तुम यहाँ कैसे पहुँचे। देवचंद जी अपनी यह घटना सुनाते नहीं है, छिपा जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उपलब्धियों का किसी के समान बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बखान करना कहीं न कहीं हृदय में अहंकार पैदा कर देता है। और आप जानते हैं ज्ञान के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, प्रीतम की प्राप्ति के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। आप काम क्रोध लोभ मोह को भी जीत लेंगे किंतु अहंकार को नहीं जीतेंगे तो भी आप परब्रह्म से दूर हैं। देवचंद जी समझते हैं इस सत्य को, इसलिए उन्होंने ढिढोरा नहीं पीटा कि मेरे साथ कोई ऐसा अलौकिक महापुरुष मिला रास्ते में जिसने मुझे पहुंचा दिया।
खोज प्रारंभ होती है, भोजनगर में पहुंच जाते हैं। यह घटनाक्रम हमें क्या शिक्षा देता है कि हम परब्रह्म को पाने के लिए प्रातःकाल उठकर ध्यान करने का जरा भी कष्ट नहीं उठाते, और ये देवचंद जी हैं जो एक रात में दौड़ते दौड़ते 125 किलोमीटर से भी अधिक का मार्ग तय कर लेते हैं। वहां भोजनगर में जिस मंदिर में जाते हैं, सब जगह क्या है, आजकल कलयुग में मूर्ति पूजा का प्रारंभ है। दर्शन शास्त्र कहता है रीते जानात न मुक्ति, जब तक सच्चिदानंद परब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान। रीते जानात न मुक्ति का तात्पर्य क्या है, जब तक परम सत्य स्वरूप उस परब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक मुक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आजकल हर कोई ज्ञानी बनता है, हर संप्रदाय का अनुयायी कहेगा कि केवल हमें ही परमात्मा का ज्ञान है, हमारे अतिरिक्त सब झूठे हैं। कोई भी अपने को त्रुटि वाला नहीं मानता, यही कहेगा कि सत्य है तो केवल हमारे पास है, अन्य सभी के पास केवल झूठा है। देवचंद जी हर मंदिर में जाते हैं, देखते हैं कि सबकी मूर्तियां हैं, और ये मूर्ति पूजा भी ऐसा व्यापार है। मूर्ति पूजा से आत्मा को कोई प्रकाश नहीं मिलता, अर्थ की वृद्धि होती है। जैसे किराना की दुकान करने वाला हर वस्तु रखता है, खाने पीने की सामग्री भी रखेगा, दैनिक व्यवहार में आने वाली वस्तुएं भी रखेगा, पशुओं का आहार भी रखेगा, सब कुछ रख लेता है कि कोई भी ग्राहक हमारे पास से ना जाए। इसी तरह से तीर्थों में भी ऐसा होने लगा है, एक का मंदिर मिलना कठिन होता है। एक ही मंदिर में एक कोने में राधा कृष्ण का भी मंदिर रहेगा, शंकर जी भी रहेंगे, हनुमान जी भी रहेंगे, गणेश जी भी रहेंगे, क्योंकि बहुदेववाद की जो परंपरा चल गई है, एक परमात्मा पर निष्ठा नहीं रह गई है। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में तो कहा गया है कि यो अन्याम देवताओं उपासते सहनवेद यथा पश्वी एव देवानाम। जो एक सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति करता है वो विद्वानों में पशु के समान है। जो एक सच्चिदानंद परब्रह्म को छोड़कर अन्य की भक्ति करता है उसको निंदनीय कर्म माना जाता है। एक परब्रह्म पर निष्ठा नहीं है लोगों की। गीता में तो कितने कठोर शब्दों का प्रयोग योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया है कि अर्जुन परमात्मा किसको प्राप्त होता है, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया, अनन्य परा प्रेम से वो प्राप्त होता है। अनन्य परा प्रेम का अर्थ क्या होता है कि वैसा प्रेम किसी अन्य के साथ ना हो, और वह प्रेम किसके साथ हो, केवल उत्तम पुरुष अक्षरातीत के साथ। जब हम अनन्य परा प्रेम करेंगे तब उसकी प्राप्ति होगी। जन सामान्य क्या सोचता है कि सबको प्रसन्न करना है, दीपावली आ गई तो लक्ष्मी जी को खुश करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे तो हमारे घर धन कहाँ से आ जाएगा। कभी हनुमान जी की भी पूजा कर लिया, और तो और गणेश जी को भी करना है, शनि ग्रह को भी कर लेना है, कहीं शनि देवता रूठ जाएगा तब तो हमारा नाश ही हो जाएगा। राहु और केतु से भी भय लगा है तो उनको भी खुश कर लो। राम की तो भक्ति करते ही है दुनिया, शंकर की भी भक्ति करती है, लेकिन राहु और केतु और शनि कहाँ से आ गए। दुर्भाग्य तो है इस देश का कि अब से लगभग 100-200 वर्ष पहले तो साईं बाबा नहीं थे, आज हिंदू समाज ने उनके नाम से गायत्री मंत्र भी बना लिया, कह दिया कि साईं गायत्री। अब साईं बाबा को भी सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप मान लिया गया। एक परमात्मा की आराधना पर किसी का ध्यान ही नहीं है। जब सृष्टि नहीं थी तो उस समय ना अयोध्या थी, न मथुरा नगरी थी, और न कैलाश था, बैकुंठ भी नहीं था, क्योंकि बैकुंठ लोक भी 14 लोक के अंदर आता था। तो बताइए वो परमात्मा कहाँ था। वह परमात्मा जो मन वाणी से परे है, प्रकृति के जगत से परे है, जिसके लिए वेदों में, उपनिषदों में,
ऐसे शब्द कहे गए हैं कि न तत् चक्षु गच्छत न वाक गच्छत न मनो न विद्मो न विजानीमा, कि जहाँ वो परमात्मा है वहाँ मन की गति नहीं, वाणी की गति नहीं, इंद्रियों की शक्ति नहीं पहुँच पाती। लेकिन हिंदू समाज इन ग्रंथों को पढ़ता ही नहीं, वो तो जो सामने दिखा, काली की मूर्ति को देख लिया तो सोचता है कि बकरे को काट दो हमारी जगत माता खुश हो जाएगी। जगत माता तो जगत के प्राणियों से प्रेम करने के लिए है, वो बकरों का रक्तपान करने के लिए नहीं है। उसका रक्तपान तो उनकी पूजा के नाम पर उनके झूठे भक्त किया करते हैं। जब देवचंद जी सबसे जाकर पूछा करते हैं कि बताओ मुझे सच्चिदानंद परब्रह्म का ज्ञान सुनने के लिए कौन सा स्थान है, सभी लोग पुजारी लोग हंसी करते हैं, किसकी तुम खोज कर रहे हो, देखते नहीं साक्षात परमात्मा यहाँ बैठे हैं, किस परमात्मा से मिलना है। बुद्धि के इन सागरों से पूछा जाए किस परमात्मा का अर्थ क्या होता है, परमात्मा क्या कई है। वेद ने कहा न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपि उच्यते, परमात्मा दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, न पंचमो न षष्ठो षष्ठमो न सप्तमो उच्यते, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, न अष्टमो न नवमो न दसमो अपि उच्यते, तम इदम निकतम स एक एक ब्रदेविक, आठ नहीं, नौ नहीं, दस नहीं, कैसा है, एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है, उसके समान न कोई दूसरा था न है और न कभी होगा। इसलिए ऋग्वेद ने डंके की चोट पर कहा, अथर्ववेद में भी यह मंत्र आया है, न त्वामान अन्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्ते, हे परब्रह्म तेरे जैसा न कोई था न हुआ है और न कभी होने वाला है। हिंदू समाज हजार वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़े रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने एक सच्चिदानंद परब्रह्म जो अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, अनंत सागरों से अधिक जिसका प्रेम गहरा है, अनंत फूलों से अधिक जिसका सौंदर्य है, अनंत में रहने वाले उस परमात्मा को जब इस देश के लोगों ने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, पत्थर की मूर्ति में सीमित कर दिया, उसको असहाय बना दिया कि हम खिलाएं तो खाओ, हम दरवाजा खोले तो तुम्हें खुली सांस लेने को मिले, हम तुमको वस्त्र दें तो तुम्हारा श्रृंगार हो, हम दीपक जलाएं तो तुम्हें प्रकाश मिले, तब से इस देश का पतन हो गया। महापुरुषों की मूर्तियों को परमात्मा का स्वरूप माना गया, महापुरुष को महापुरुष ही रहने देना चाहिए, परमात्मा को परमात्मा ही रहने देना चाहिए। लेकिन जब तक ज्ञान का प्रकाश न हो एक सोलीला अद्वैत का, तब तक सत्य की प्राप्ति कहाँ से हो सकती थी। देवचंद जी जगह जगह जाते हैं, कोई उनकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पाता, अंत में सन्यासियों के पास जाता है। वे दत्तात्रेय मत के अनुयायी सन्यासी थे, उनको ध्यान साधना का मार्ग सिखाते हैं, राजयोग की प्रक्रियाएं सिखाते हैं, कुछ दिन तक उनके पास रहते हैं, कठोर साधना में लग जाते हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है किंतु मन को शांति नहीं मिलती है, पुनः कनपटे योगियों के पास आते हैं, उनके साथ वो राजयोग की शिक्षा ग्रहण करते हैं, हठ योग की शिक्षाएँ ग्रहण करते हैं, नेति धोती बस्ती त्राटक कपाल भाती। जब लगा कि इसमें आत्म तत्व तो है ही नहीं, पुनः आकर के जब देखते हैं ये जो श्मशान में रहने वाले उन वैरागियों से भी मिलते हैं, लेकिन उनके खान पान को देखकर उनका मन घृणित हो जाता है कि ये तो विषयों में फंसे पड़े हैं, ये क्या परब्रह्म का मार्ग बताएंगे। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक मुल्ला में के पास भी चले जाते हैं, लेकिन जब देखा कि यह तो केवल पांच बार नमाज के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं तो वहाँ से भी मुख मोड़ लेते हैं। खोज करते करते हरदास जी के पास पहुँचते हैं, हरदास जी की अनन्य निष्ठा देखकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं, वो राधा कृष्ण के भक्त हैं, निष्ठा भाव से राधा कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं और स्वयं को गोपी भाव से मानकर उनकी भक्ति करते हैं।
देवचंद जी को सबसे अधिक विशेषता जो लगी उनकी निष्ठाबद्धता, उनके हृदय में जो समर्पण भावना थी, प्रेम भावना थी, वह उनको अब तक नहीं मिल पाई थी किसी के पास। उन्होंने देखा कि जो सन्यासी हैं, हठ योगी हैं या शमशान में विचरण करने वाले वैरागी लोग हैं, सभी कहीं ना कहीं अहंकार से भरे पड़े हैं, शुष्क हृदय है उनका। देवचंद जी के अंदर तो परब्रह्म की आनंद शक्ति है, आनंद स्वरूप आत्मा उनके अंदर विराजमान है, वो तो प्रेम और आनंद से भरा हुआ हृदय ही खोजना चाहेगी। देवचंद जी को लगा कि शायद यहाँ मुझे अपना लक्ष्य मिल जाए, और इसी प्रयास में हरिदास जी से दीक्षा ले लेते हैं। जब से घर जोड़ा था श्री देवचंद जी ने, उनके माता पिता बहुत ही व्यथित थे। सौभाग्य से जिस हरिदास जी के पास देवचंद जी गए, वे उनके पिता के भी गुरु थे, और हरिदास जी को यह बात ज्ञात थी कि मेरे शिष्य मत्तु मेहता का पुत्र घर छोड़ करके निकल चुका है सत्य की खोज में। जब देवचंद जी उनके पास आते हैं तो मत्तु मेहता के पास हरिदास जी ने सूचना भिजवा दी, और हरिदास जी भी अपने धर्मपत्नी कुंवरबाई के साथ आकर भोजनगर में रहने लगते हैं कि जब मेरे बेटे को एक ही लक्ष्य है परमात्मा की खोज, तो उसकी इच्छा पूर्ति करना मेरा परम लक्ष्य है, मैं उमरकोट में रहकर क्या करूँगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, देवचंद जी की प्यास बढ़ती ही जाती है। रात्रि के 12 बजे तक श्री देवचंद जी के पास रहते हैं, सेवा का अटूट व्रत है उनका। जब देवचंद जी को तीव्र वैराग्य में देखा मत्तु मेहता ने, तो आप जानते हैं बंधन के लिए क्या रास्ता है, उसका विवाह कर देना। हर प्राणी स्त्री हो या पुरुष, जब विवाह के बंधन में बंध जाता है तो उसका ध्यान निश्चित है कि कुछ समय के लिए परमात्मा से हटकर अपने सांसारिक आकर्षण में बंध जाता है। देवचंद जी के ऊपर विवाह का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, उनकी 1% भी इच्छा नहीं थी कि मेरा विवाह हो। लेकिन आप जानते हैं पुराने जमाने के माता पिता किसी की सुनने वाले कहाँ होते थे। आजकल तो बच्चों से पूछा भी जाता है कि इससे तुम्हारा विवाह हो कि ना हो, माता पिता तो इसे अपने सम्मान का मुद्दा बना लेते थे कि मैंने इस लड़की को देख लिया, इससे तुम्हें विवाह करना ही होगा। कितनी बार तो ऐसा होता है कि जिससे विवाह होता था उसके बारे में लड़के को भी पता नहीं है कि जिससे मेरा विवाह होने जा रहा है वो कैसी है, और लड़की को भी पता नहीं होता था कि जिससे मेरा विवाह होने जा रहा है वो लड़का कैसा है। माता पिता की आज्ञा, जैसे एक गाय को जहाँ इच्छा हो बांध दो, बेचारी गाय क्या बोलेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि युवक और युवती से सहमति लेनी आवश्यक है माता पिता की, कि तुम्हें ये स्वीकार है या नहीं है। बलपूर्वक विवाह करना कहीं ना कहीं शास्त्रों में दोष माना गया है, और माता पिता के लिए ये शोभनीय नहीं होता। लेकिन शास्त्र की बात भी कौन मानेगा, जो परिवार में बड़ा होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये परंपरा चली आ रही है। देवचंद जी का विवाह हो जाता है, फिर भी आसक्ति नहीं है उनको। 12 बजे तक वे सेवा करते हैं अपने गुरुदेव की, घर आते हैं 3 बजे पुनः पहुंच जाते हैं सेवा करने के लिए। सेवा धर्म बहुत कठिन है, तभी तो भर्तृहरि ने कहा है सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। योगियों के लिए भी कठिन है सेवा धर्म, क्योंकि यदि सेवक ज्यादा बोलता है क्या कहा जाएगा, बहुत बोलता है बकवादी। कम बोलेगा बेचारा कहा जाएगा बहुत अहंकारी है बोलता ही नहीं। खरी खरी बात कहते तो कहेगा कि बहुत कर्कश है, हमेशा टेढ़ा ही बोलता है। थोड़ा अच्छा से बोल दे तो क्या कहा जाएगा, चाटुकार है, हमेशा चापलूसी करता रहता है। उस बेचारे की कहीं गति नहीं होती, कुछ भी करेगा कोई ना कोई दोष निकाला जाएगा।
इसलिए जिसने सेवा धर्म निभा लिया उसके लिए अध्यात्म के पथ पर चलना बहुत ही सरल हो जाता है। सेवा से अहं मिटता है। मुक्ति सेवा तूने सु कहूं जो तू अंतर आडो डाल, अनेक विध सेवा तड़े तूने उपस्थित तत्काल। सेवा कौन करेगा? जिसके हृदय में भाव होगा। भाव किसके हृदय में आएगा? जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए बिना सेवा किए, सेवा का अर्थ केवल शारीरिक, केवल धन की सेवा नहीं, सेवा का अर्थ केवल चर्चा सुनाना नहीं, आप शरीर से भी सेवा कीजिए, तब तो आपका अहम मरेगा। आप अपने को बड़ा मानकर झाड़ू लगा नहीं सकते, कोई बोझ उठा नहीं सकते, तो आप तो सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये छोटा कार्य क्यों करूँ। आप देखिए, सिख लोगों के गुरुद्वारे बनते हैं, करोड़पति लोग अपने सिर पर टोकरा उठाते हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले सुकरताल में गुरुद्वारा बन रहा था। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल, और मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने अपने सिर पर मिट्टी का टोकरा ढोया। और आप जानते हैं प्रकाश सिंह बादल के पास कितने करोड़ों की संपत्ति आज भी है और पहले भी थी, लेकिन उन्होंने ये लज्जा का अनुभव नहीं किया कि यदि मैं सिर पर मिट्टी की टोकरी ढोऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। एक मुख्यमंत्री है और सेवा कर रहा है, गुरुद्वारे में टोकरे उठा रहा है। आप मेरे कहने का से समझ गए होंगे। देवचंद जी ने हर क्षेत्र में कार्य किया, सेवा भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, चर्चा भी सुन रहे हैं। उनको श्री देवचंद जी ने, उनको उनके गुरु हरदास जी ने दीक्षा मंत्र भी दे दिया था, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। मेरी आत्मा तू नित्य वृंदावन के अंदर रमण करने वाले, कुंजों में विहार करने वाले उस प्रीतम की आराधना कर, उनको अपने हृदय में बसाओ। और यह कहा था कि यह नित्य वृंदावन इस संसार में नहीं है, इस संसार से परे है, तुम वहां का ध्यान लगाया करो। और देवचंद जी वैसे ही करते हैं। समय बीतता जाता है, देवचंद जी प्रातःकाली भ्रमण करने, पहले प्रातःकाली आकर के सेवा कार्य करने लगते हैं छिप करके। सेवा का प्रचार नहीं करना चाहिए। आप जो सेवा कर रहे हैं सर्वशक्तिमान परमात्मा को रिझाने के लिए कर रहे हैं। यदि आप पूरा कर्म कर रहे हैं और सोचे कि कौन देख रहा है तो ये आपका भ्रम है। आपके हर कार्य को परमात्मा देख रहा है। आप भक्ति करते हैं तो उसको फैलाइए नहीं, सेवा करते हैं तो सबको मत बताया कीजिए कि मैंने इतनी सेवा की। छिप कर साहेब कीजिए याद, खसल खस नजीकी स्वाद। बंदगी भी छिप कर, सेवा भी छिप कर, किसी का परोपकार भी करते हैं तो छिप कर कीजिए। हाँ, बुरा कर्म हो तो आप स्वीकार कीजिए कि हाँ मेरे से अपराध हो गया है, अब मैं भविष्य में ऐसा न करूँ। जो ऐसा सोचता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, लेकिन जो सोचता है कि मेरे बुरे कर्म को कोई न जाने और थोड़ा सा अच्छा कर देता है, ढिठोरा पीटता है, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए तारतम वाणी में एक चौपाई आती है, बाहर दिखावे बंदगी माहे करे कुक्रम काम, श्री महामत पूछे ब्रह्मशिष्ट को ए बैकुंठ जासी के दम। यदि हम बुरे कर्म करेंगे और छिपा कर करेंगे, सोचते हैं कि कोई देख थोड़े रहा है, जो हमारे हृदय में बैठा है क्या उससे हम छिपा लेंगे? आप किसी की हत्या कर दीजिए, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं कि आपने हत्या की है, आपका चित्त उसके संस्कारों से भरा रहेगा। सर्वशक्तिमान की दृष्टि से आप कैसे बच सकते हैं? आप पैसा देकर पुलिस से बच सकते हैं, न्यायालय से बच सकते हैं, इस जन्म में तो बचेंगे, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। मनुष्य जो भी कर्म करता है, कर्म का फल उसके साथ पीछे लग जाता है। 14 लोकों के ब्रह्मांड में, निराकार में, हिमालय की गुफाओं में कहीं भी जाएगा, कर्म का फल उसके साथ लगा रहेगा। इसलिए मन से, वाणी से, कर्म से कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए।
आप अपने मन में किसी के लिए बुरा चिंतन न कीजिए, वाणी से बुरा वचन न बोलिए, अपने मन में किसी का अनिष्ट करने का विचार भी न सोचिए और आचरण में भी बुरे कर्म को न अपनाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो सर्वशक्तिमान प्रीतम परब्रह्म की कृपा दृष्टि आप पर अवश्य बनी रहेगी। देवचंद जी को परिक्रमा करते हुए देख लेते हैं हरदास जी, कहते हैं कि देवचंद्र तुम जो छिप छिप करके मेरी सेवा करते हो, मैं इस सेवा का बोझ नहीं सहन कर सकता। मंदिर के ऊपरी भवन पर मैं सोया रहता हूँ और नीचे से जो तुम परिक्रमा करते हो इसका बोझ मेरे से सहन नहीं जाता है। इसलिए जो मैं अपने आराध्य की मूर्तियाँ रखता हूँ उसमें से एक बालमुकुंद की मूर्ति तुमको दे देता हूँ, तुम घर कर ले जाओ और उसकी पूजा करो। जिस दिन मूर्ति देने का समय होता है सिंहासन पर आकर देखते हैं हरिदास जी की मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही है। अब सोचते हैं कि मंदिर का दरवाजा तो बंद था, मूर्ति कहाँ चली गई। शोक में पूरा परिवार भोजन नहीं करता है। देवचंद जी को जब पता चलता है तो वो भी भोजन नहीं करते हैं। चिंता में मन होकर हरिदास जी बैठे रहते हैं। उनका प्रण था कि सारा दरवाजा बंद है, बाहर से कोई व्यक्ति आया नहीं, मूर्ति कहाँ चली गई। आधी रात्रि के समय बालमुकुंद जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और बालमुकुंद जी कहते हैं कि हरदास तुम्हें नहीं मालूम कि ये देवचंद जी कौन है, जिनको तुम अपना शिष्य मानते हो, सेवक मानते हो, जिनसे तुम अपने जूठे बर्तन मजवाते हो। तुम्हें नहीं मालूम कि इनके तन में परब्रह्म की हिलादनी शक्ति है, परम धाम की आत्मा है और इनसे सेवा कराने का बोझ मैं नहीं सहन कर सकता। आप सोचते हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि मूर्ति सेवा कराती है, भाव क्या है। जैसे देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है वो राष्ट्र की गरिमा का प्रतीक होता है। एक कपड़ा ही तो होता है, श्वेत रंग से, हरे रंग से, केसरिया रंग से रंग दिया जाता है, बीच में एक चक्र बना दिया जाता है और उसकी रक्षा के लिए लाखों सैनिक अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहते हैं। आप 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन राष्ट्र ध्वज को जला देंगे या फाड़ दें, नष्ट कर दें, तो शायद देश का संविधान आपको मृत्युदंड की सजा भी दे सकता है। एक कपड़े के ध्वज के नष्ट होने से देश नष्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है। इसलिए मूर्ति पूजा का कहीं भी वर्णन वेद शास्त्रों में नहीं है और इसको कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन बालमुकुंद को ये स्वीकार नहीं है। बालमुकुंद वह स्वरूप है जो गोलोक के अंदर, गोलोक का तात्पर्य अखंड ब्रज में श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसको बालमुकुंद कहते हैं। उस स्वरूप को यह भी सहन नहीं है कि मेरे नाम पर बनाई हुई किसी मूर्ति की सेवा श्री देवचंद जी करें, क्योंकि इनके अंदर तो परम धाम की आत्मा है। जैसे आप किसी को गाली देते हैं तो गाली तो आपको लग नहीं जाती, ये भावनाओं का प्रश्न होता है। वैसे ही बालमुकुंद जी की भावना है कि मेरे नाम पर बनी हुई मूर्ति की भी सेवा श्री देवचंद जी करते हैं तो मैं इसका बोझ सहन नहीं कर सकता। और यही कहते हैं कि उनके वस्त्रों की सेवा दे देना हरिदास जी तो उनको संतोष हो जाएगा। वस्त्र सेवा क्यों दिया, वस्त्रों से भावात्मक लगाव होता है। आपको कोई भेंट में कोई वस्तु देगा तो आप उसको बहुत प्रेम से रखा करेंगे। मूर्ति में हाथ है, पैर है, कई अवयव हैं। उन बालमुकुंद जी ने इसलिए वस्त्र सेवा का विधान कराया, ये वस्त्रों को ले जाएं, बांके बिहारी के वस्त्रों को, वस्त्रों को रख करके ध्यान करेंगे तो इनकी सुरता अखंड धाम की तरफ गमन करेगी। यही होता है, बांके बिहारी के वस्त्रों को हरदास जी दे देते हैं देवचंद जी को। देवचंद जी उन्हें लाकर अपने घर पधारते हैं, निष्ठा भाव से सेवा करते हैं
और आप जानते हैं विवाह हो जाने के पश्चात देवचंद जी के अंदर किसी भी तरह का मनोविकार नहीं आने पाया था। कालांतर में उनकी दो संतानें भी होती हैं, एक बिहारी जी और एक जमुना। जमुना यानी पुत्री, पुत्री का नाम है यमुना और पुत्र का नाम है बिहारी जी। समय बीतता जा रहा है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। एक लीला दर्शाई जा रही है, हर व्यक्ति सोचे कि मैं ही भी देवचंद्र ही हूं, मुझे भी सत्य की खोज करनी है। सत्य की प्यास आपके अंदर नहीं रहेगी तो आप कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके चलते जाएंगे। अपनी आंखों से सत्य को देखिए और उसको आचरण कीजिए, तभी जीवन धन धन होगा। देवचंद जी ध्यान करते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, ध्यान करते हैं। एक दिन ध्यान में उनको ऐसा लगता है कि मेरी सुरता अखंड ब्रज में पहुंच गई है, जहां कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ खेल रहे होते हैं। कृष्ण जी उनको देखकर बुलाते हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया था हरदास जी के माध्यम से कि उनके अंदर परम धाम की हिलादनी शक्ति है, और वो मानते हैं कि मैं राधा स्वरूपा हूं, परब्रह्म की अनंत स्वरूपा हूं। यह बोध तो नहीं है कि जो महाराज की लीला खेली गई थी योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई थी, और उसके परे है परम धाम। देवचंद जी ध्यान में बैठे बैठे घुघनी का प्रसाद उस दिन बनाया गया था अखंड लीला में जो देख रहे होते हैं, क्योंकि इस संसार में जो 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला खेली गई थी अखंड हो गई थी योग माया के ब्रह्मांड में। घुघनी का प्रसाद खाने के लिए जैसे ही हाथ उठाते हैं ध्यान टूट जाता है और जो दर्शन हो रहा था वो बंद हो जाता है। लेकिन उनके अंदर आस्था प्रबल हो जाती है। पहली बार एक झलक मिली थी, झलक क्या, साथ में रहे थे लेकिन नींद का आवरण इतना है कि जो सामान उठाकर चल रहा है उसके बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं की उन्होंने, आवरण पड़ा था। दूसरी बार ध्यान की एक झलक मिली, ध्यान के द्वारा उन्होंने अपने प्रीतम को उस रूप में देखा। प्रीतम तो कहीं और है, वही कभी सैनिक के रूप में आ रहे हैं, पठान सैनिक के रूप में, तो कभी ब्रज बिहारी के रूप में वही आ रहे हैं, क्योंकि वे उन्हीं का ध्यान करते हैं। अब तीसरी बार दर्शन का प्रत्यक्ष समय आने वाला है। समय के पंख तेजी से उड़ते जा रहे हैं, समय रूपी पक्षी उड़ता जा रहा है। एक बालक है 11 साल का कुछ और, 16 साल का बालक कुछ और करता है। अब उस बालक की उम्र 26 साल की हो गई है। 26 वर्ष की अवस्था में वो संसार को बहुत कुछ देख चुका है, प्रीतम की कुछ अनुभूति भी कर चुका है, लेकिन अभी लक्ष्य तक पहुंचना बाकी है। अंत प्रेरणा होती है। हरिदास जी भी कहते हैं कि देवचंद जी जो कुछ मेरे पास था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, यदि आप और ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप जामनगर चले जाइए, जहां हमारे बल्लभ संप्रदाय का सर्वोच्च स्थान है, मुख्य गादी है, वहां आप कांची भट्ट से भागवत की कथा का श्रवण कीजिए। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए श्री देवचंद जी हर कदम उठाने के लिए तैयार है और वो चल देते हैं नौतनपुरी। माता पिता को तो जाना ही था, जाते जाते वहां जाकर 14 वर्ष तक भागवत का श्रवण करते हैं। आप जानते हैं 26 का वर्ष का कोई नवयुवक हो और सबसे अधिक प्रिय लगने लगे तो जो वयोवृद्ध होते हैं उनको यह बात बहुत अखरती है। उनको लगता है कि हमारे सिर के बाल तो सफेद हो गए, हम कांजी भट्ट के इतने प्रिय नहीं जितना यह 26 साल का लड़का ज्यादा प्रिय लगने लगा है। और विशेषकर जो मंदिर के प्रबंधक होते हैं, किसी गादी के स्थान के प्रबंधक होते हैं, उनकी महत्ता जब नहीं होती है, किसी नए व्यक्ति की महत्ता बढ़ने लगती है,
तो मनुष्य की कमजोरी होती है कि कम आयु वालों को वो कभी भी अच्छी दृष्टि नहीं देखता। वृद्धों को अतीत प्रिय होता है और युवाओं को वर्तमान प्रिय होता है। ज्ञानी को न वर्तमान प्रिय होता है न अतीत प्रिय होता है। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, हमारे जमाने में ऐसा होता था, आजकल के लड़के तो बहुत बिगड़ गए हैं। हर वृद्ध यही कहेगा कि आज के लड़के बिल्कुल खराब हैं। कोई वृद्ध नहीं कहेगा कि आज के लड़के बहुत अच्छे हैं। अपने लड़के को अच्छा कहेगा लेकिन सारे समाज के लड़कों को अच्छा नहीं कहेगा। उसके सामने उसके लड़के को बुरा कह दीजिए तो बहुत बुरा लगेगा उसको, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जैसे मेरा लड़का है वैसे ही सारे संसार के लड़के हमारे हैं। जो ऐसा सोच लेता है वो महान बन जाता है। जो मंदिर के मुख्य ट्रस्टी कही है, व्यवस्थापक कही है, वो देखते हैं कि जब तक देवचंद जी नहीं आते हैं भट्ट जी कथा नहीं प्रारंभ करते हैं। वो लड़ पड़े कि भट्ट जी आपको क्या मिलता है देवचंद जी से, जो जब तक वो न आए आप कथा का प्रारंभ नहीं करते। भट्ट जी कहते हैं कि देखो मैं कोई श्लोक आगे पीछे बोल दूँ तुम्हें तो कुछ पता नहीं होता, क्योंकि तुम क्या हो, केवल पत्थर की मूर्तियाँ हो। पत्थर की मूर्तियों की कहानी जानते हैं। एक राजकुमार था, वो घोड़े पर कहीं जा रहा था, देखा कि एक आश्रम है, आश्रम में ऋषि जी कथा कर रहे हैं। कथा का सार यही था कि संसार झूठा है, परमात्मा की भक्ति ही सच्ची है, और जो परमात्मा के प्रेम मार्ग पर चल देता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। सोचा कि मुझे राजपाठ लेने लेकर के मैं क्या करूँगा, मेरे लिए किसी कार्य का नहीं है। अपना घोड़ा दौड़ाया, अपने राजसी वस्त्र महल में रख देता है और संन्यास के वस्त्र लेकर घोर तप करने वन में चला जाता है। 12 वर्ष तप करके वह सिद्ध पुरुष के रूप में आता है कि चलो अपने गुरु भाइयों से तो मिलूं, अपने गुरुदेव से मिलूं, क्योंकि मैंने उनसे प्रत्यक्ष में दीक्षा नहीं ली थी, मैंने तो घोड़े पर बैठे बैठे ज्ञान सुन लिया था और संसार को छोड़ दिया था। आकर देखता है कि वही गुरु जी हैं, वही हमारे गुरु भाई हैं, वैसे ही सभा चल रही है और फिर आज भी वही बात दोहराई जा रही है, संसार झूठा है, परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। उसने एक एक का सिर हिला हिला कर देखना शुरू कर दिया कि ये मनुष्य हैं कि पत्थर के मूर्तियाँ हैं। मैंने तो घोड़े पर बैठे बैठे सुनकर ही संसार को छोड़ दिया, ये मेरे से पहले से सुनते आ रहे हैं और 12 वर्ष हो गए इनको कथा सुनते सुनते, आज भी श्रोता ही हैं, कभी मार्ग पर तो चलने का प्रयास ही नहीं किया। कहते हैं कांची भट्ट कि भाई तुम लोग तो वही पत्थर के मूर्तियों वाले मनुष्य हो, मैं कुछ भी आगे पीछे बोल दूँ तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन देवचंद जी ऐसे हैं यदि मैं कुछ भी बोल दूँ तो घर पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि भट्ट जी आपने ये श्लोक छोड़ दिया है, मुझे कुछ और दोबारा सुना दीजिए, मेरा समय बर्बाद होता है, इसलिए मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। उन लोगों को ये बात खली तो बहुत लेकिन कर क्या सकते थे, अवगुण देखते रहते हैं। जब मन में द्वेष होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति बहाना ढूंढता है कि इसमें क्या दोष है। अपने संगे संबंधियों के अवगुणों को हर कोई छिपाता है, अपने अवगुणों को छिपाता है, लेकिन जिससे द्वेष होता है उसके एक एक अवगुण को ढूंढने में ही उसकी सारी ऊर्जा लग जाती है। इससे नुकसान किसका होता है, उसका अपना, वो किसी दूसरे का हित नहीं कर रहा है। आप किसी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां तो आपकी तरफ उठ रही है, ये बात ध्यान में रखिए। नीति का कथन है एकाकी चिंत्यमाना परम श्रेयम अधिगच्छत। अकेले एकांत में सोचिए, आज मैंने पूरे दिन में किसी को कटु वचन तो नहीं कहा, मन वाणी कर्म से किसी का बुरा तो नहीं सोचा, बुरा तो नहीं किया, और यदि किया है तो मैं भविष्य में नहीं करूं। हे परब्रह्म मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि मैं अपने मन में कभी किसी का अनिष्ट चिंतन न करूं, न किसी को बुरा कहूं अपने कटु शब्दों से,
किसी का हृदय न दुखाऊं, ना बुरा करूं, ना बुरा सुनूं, ना बुरा कहूं। और रात्रि को ऐसा ही संकल्प करके परमात्मा का ध्यान करके जो सोता है, सवेरे उठने पर परमात्मा का ध्यान करके यही संकल्प करता है, परब्रह्म मेरे धाम हृदय में तू आ जा, मेरे अंदर से काम क्रोध मद लोभ के विकार सारे नष्ट हो जाए। एक दिन अवश्य आएगा कि उसकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ लोगों का समूह बनाकर अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करे और उनसे कहलवाए कि इनके जैसा अच्छा कोई नहीं, तो परिणाम क्या होता है? वह आत्महनन के मार्ग पर चल रहा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वे लोग हमेशा दोष देखा करते हैं कि श्री देवचंद जी में क्या क्या त्रुटियां हैं। एक बात उनको देखने में आती है कि देवचंद जी एकादशी को खूब भोजन करते हैं और हम लोग तो एकादशी को उपवास रहते हैं। जब द्वादशी को हमारा भंडारा होता है तो ये बिल्कुल नहीं खाते। कांजी भट्ट के पास वे जाकर कहते हैं कि भट्ट जी, हमारे लिए कुछ दूसरा नियम है आपका कि एकादशी व्रत रखना चाहिए, एकादशी को आहार नहीं करना चाहिए, और देवचंद जी के लिए आपने दूसरा नियम बना रखा है कि देवचंद जी एकादशी को खूब खाते हैं और द्वादशी को जब हम लोग भंडारा करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ राधा कृष्ण की भक्ति के प्रति समर्पित करके खाते हैं तो छूते भी नहीं। एक ही संप्रदाय में दो विचारधारा नहीं होनी चाहिए। भट्ट जी कहते हैं कि देवचंद जी, मुझे विश्वास है जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ न कुछ रहस्य होगा, उनको आने दो और मैं पूछता हूँ। जब देवचंद जी आते हैं, कांजी भट्ट पूछते हैं कि देवचंद, क्या सचमुच में तुम एकादशी को भोजन करते हो और द्वादशी को बिल्कुल नहीं भोजन करते? देवचंद जी कहते हैं कि हाँ भट्ट जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। इसलिए आप जो अलौकिक ज्ञान का रस श्रीमद् भागवत के माध्यम से देते हैं, अखंड ब्रज का रस का वर्णन करते हैं, मेरी आत्मा को दूना आहार मिलता है उस दिन, तो मैं भर पेट उस दिन भोजन करता हूँ, क्योंकि आत्मिक आहार मिलने पर मुझे मानसिक शांति बहुत होती है और प्रसन्नतापूर्वक मैं भोजन करता हूँ। किंतु द्वादशी को जब आप लोग भंडारा करते हैं तो उस दिन कथा का श्रवण मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप कथा करते ही नहीं। इसलिए जब आत्मा को आहार नहीं मिला तो मैं इस शरीर, तो ये हड्डी मांस का लोथड़ा है, इसको मैं क्यों आहार दूँ? आप जो एकादशी का महत्व बताते हैं, तो एकादशी तो क्या है, स्वर्ग का साधन है, वैकुंठ का साधन है। भागवत में यही तो लिखा है कि तुलसी, ये एकादशी व्रत का साधन करने से क्या क्या फल मिलता है, यानी विष्णु के चक्र ने दुर्वासा के श्राप से, दुर्वासा ने कृत्या राक्षसी को पैदा किया था मारने के लिए राजा को, उनसे अपने प्राण रक्षा की थी, यानी दुर्वासा को भी अपने प्राण बचाने के लिए राजा की शरण में जाकर के क्षमा मांगनी पड़ी। तो कृत्या को तो उसने मार ही दिया था सुदर्शन चक्र ने। और जो इसे एकादशी का व्रत करेगा उसको स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति होगी। किंतु यह श्रीमद् भागवत परब्रह्म की लीला का रस हमारे तक पहुंचाने वाला है, परब्रह्म की लीला का रस इसमें वर्णित हुआ है। इसलिए जिस प्रेमयी लीला का रसपान करने से हमारी आत्मा अपने को अखंड आनंद में पाती है, मैं उसको प्राथमिकता देता हूँ। मेरे लिए एकादशी महत्व का कोई भी, एकादशी का कोई वैसा महत्व नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य स्वर्ग और वैकुंठ से परे है। स्वर्ग और वैकुंठ तो इस नश्वर जगत के अंदर है। अखंड लीला का रस जिस भागवत कथा से मिलता है, मैं उसको प्राथमिकता दूँ या इसको? यह सुनकर सब मौन हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने व्यंग किया था कि देवचंद जी तो भागवत रूपी वृक्ष के एक एक पत्ते पत्ते में, डाल डाल में विचरण करने वाले हैं, एक एक पत्ते के रेसे रेसे में। कहने का से क्या है,
भागवत एक वृक्ष है जिसकी 12 स्कंद 12 डालियां हैं। एक एक स्कंदों में अध्याय रूपी टहनियां हैं और एक एक स्कंद के जितने श्लोक हैं वो पत्ते हैं और पत्तों के जो रेशे हैं एक एक श्लोक के शब्द हैं। उनका व्यंग यह था कि देवचंद जी तो भागवत के 18,000 श्लोक जो 12 स्कंदों में वर्णित हैं एक एक श्लोक के एक एक शब्द में विचरण करने वाले हैं, पत्ते पत्ते के अंत के रेशे में विचरण करने वाले हैं, वे भागवत के विपरीत आचरण क्यों कर रहे हैं कि एकादशी का महत्व न मानकर उस दिन भोजन करते हैं और जिस दिन द्वादशी का भंडारा होता है उस दिन निराहार रहते हैं। सब चुप रह जाते हैं देवचंद जी के तर्क को सुनकर। मनुष्य को तार्किक होना चाहिए, कुतार्किक नहीं होना चाहिए। सत्य को जानने की जिज्ञासा से आप तर्क कीजिए, यदि बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो अंध परंपरा में भटकते रहेंगे। और बुद्धि में विवेक कब आएगा? जब आप ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए आप देखेंगे श्री देवचंद जी छोटी अवस्था से ही ध्यान करने लगते हैं। 16 वर्ष की अवस्था से ही ध्यान करना उनका नियम है। आजकल कहा जाता है कि अरे ये तो बुढ़ापे की चीज़ है। बुढ़ापे की चीज़ नहीं है। यदि आप बाल्यावस्था में ध्यान नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में ध्यान कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, तृष्णा और बढ़ जाती है। यही कारण है कि बाल्यावस्था से 10 साल के बाद हर बच्चे को ध्यान में बैठाना चाहिए, जप कराइए, अंतर्मुखी बनाइए, तभी वो बड़ा होगा तो युवावस्था में भी ध्यान करेगा। युवावस्था में जो ध्यान करेगा वही वृद्धावस्था में ध्यान करेगा। नहीं तो आप देखिए लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनका सारा ध्यान अपने पोते पोतियों पर लगा रहता है। पार्क में 4 बूढ़े बैठ जाएंगे, केवल राजनीति की बात करेंगे, दूसरे की बुराई करेंगे, परमात्मा के बारे में चर्चा सुनाइए तो उठ करके चल देंगे। उनको परमात्मा का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो ये अवस्था में भक्ति नहीं करेगा, कोई बिरला ही होगा जो बुढ़ापे में भक्ति की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अब समय आ गया है श्री देवचंद जी को परम सत्य के अखंड स्वरूप का के साक्षात्कार का। उनको कई दिनों तक बुखार लगा रहता है, बुखार में शरीर जर्जर हो जाता है, ज्वर इतना बढ़ता जाता है कि विकृत हो जाता है, और संनिपात ज्वर जिसमें मनुष्य ज्वर की अधिकता से बड़बड़ाने लगता है वह हो जाता है। लेकिन उनकी निष्ठा में कहीं कमी नहीं, प्रतिनियमित रूप से जाते हैं। माता पिता रुकने का प्रयास करते हैं लेकिन माता पिता के रुकने का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री देवचंद जी अपने माता पिता का मोह छोड़कर कथा सुनने के लिए चले जाते हैं। यही तो है निष्ठा की परीक्षा। चाहे कुछ भी हो जाए हमें प्रीतम का ध्यान करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब संसार के सारे उत्तरदायित्वों को निभाते हैं तो प्रीतम का ध्यान तो लेटे लेटे भी हो सकता है। आप बस में ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं वहाँ भी लेटे लेटे ध्यान कर सकते हैं, किंतु हमें तो बहाना चाहिए। कोई अतिथि आ गए तो क्या कहते हैं, आज काम पड़ गया, रिश्तेदार आ गए, आज ध्यान छोड़ देते हैं। यदि आप रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं तो आपके हृदय में अपने आराध्य अपने प्राणेश्वर के लिए 10 मिनट भी समय नहीं है कि आंखें बंद करके उसको अपने हृदय में बसा सके। याद रखिए जिस तरह से शरीर को प्रतिदिन आहार देना होता है उसी तरह से मस्तिष्क का आहार क्या है, प्रतिदिन स्वाध्याय कीजिए। थोड़ा भी समय ब्रह्मवाणी का चिंतन के लिए अवश्य निकालिए, थोड़ा भी समय प्रीतम का ध्यान अवश्य कीजिए। चाहे सब कुछ छूट जाए, सूर्य पश्चिम में उग जाए, महाप्रलय की घड़ी आ जाए, विश्वयुद्ध की घंटी बज जाए, सब कुछ हो जाए, तो भी चितवनी करना ध्यान करना नहीं बंद करना चाहिए। थोड़ी देर अवश्य ध्यान कीजिए, यह आपका अटूट प्रेम ही आपको माया से परे ले जाएगा। किंतु यदि आप बहाना ढूंढते फिरेंगे, चलो आज एक दिन नहीं करते हैं तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, कल सोचते हैं कि चलो एक दिन और छुट्टी कर लेते हैं, अगले दिन से करेंगे,
किंतु इन दो दिनों में आपके शरीर को भोजन न दिया जाए तो आप कैसे मछली की तरफ तड़पने लगते हैं? यह चिंतन करना है। यदि आत्म जागृति करनी है तो हमारे लिए स्वाध्याय और चिंतन, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय आवश्यक है, स्वाध्याय यानी चिंतन मनन, और परब्रह्म का ध्यान, शरीर से सेवा, मस्तिष्क से ज्ञानार्जन और आत्मा से प्रीतम का ध्यान। जो ये तीनों करता है वही यहाँ धन धन होता है और परम धाम में भी धन धन होगा। समय आ जाता है, आप देखेंगे आज आप कोई जमीन में आम की गुठली बो देंगे तो कल ही वृक्ष नहीं बन जाएगा, कल ही उसमें फल फूल नहीं लग जाएंगे। समय पर हर कार्य होता है, शिष्ट का विधान है। देवचंद जी 16 वर्ष से भी कम अवस्था से खोज कर रहे हैं, अब उनकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी है, दो बार प्रीतम की अनुभूति भी हो चुकी है, अब तीसरी बार वो अखंड अनुभूति होने वाली है जिसके द्वारा उनका स्वरूप कुछ और हो जाएगा। अब देवचंद जी सामान्य रूप से देवचंद जी नहीं रहेंगे, सबके प्रीतम बन जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रीतम की छवि आ जाएगी। जैसे आग में लोहे को तपा दीजिए, लोहा आग के समान दहकने लगता है, उसमें लोहे में और आग में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब देवचंद जी को स्वयं प्रीतम का साक्षात्कार होगा, उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाएंगे, और जब उनके तन से लीला होने लगेगी तो सबको ये अनुभूति लगने लगती है कि ब्रह्म विदो ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के तत्वगत हो जाता है, और देवचंद जी के अंदर परब्रह्म का वही स्वरूप विराजमान होता है, इसलिए हम भी उनको वैसा ही मानेंगे। ये हमारे कौन हो जाएंगे? प्राणनाथ। अब कथा सुन रहे हैं, अचानक उनकी अंतर्दृष्टि के सामने एक स्वरूप प्रकट होता है, अति सुंदर स्वरूप है वह, साकार से भी परे, निराकार से भी परे, 14 लोगों के इस ब्रह्मांड का स्वरूप नहीं है वह, बेहद मंडल का स्वरूप नहीं है वह, स्वलीला अद्वैत परमधाम का स्वरूप है, अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है, माया का प्रकाश नहीं है वो, चैतन्य परमधाम के परब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है तो अरबों चंद्रमा की शीतलता है उस स्वरूप में, खरबों फूलों की सुगंध और कोमलता लिए हुए है, ऐसा मनोहर दिव्य किशोर स्वरूप जब देखते हैं परब्रह्म का, जिसके लिए वेदों में वर्णित किया गया है, अकामो धीरो अमृत रसेन तृप्त न कुतश्चनो न तमे विद्वान न विभाय मृतोर आत्मानम धीरम अजरम युवानो। अकामो संपूर्ण कामनाओं से जो परे है, धीर प्रकृति के विकारों से पूर्णतया मुक्त है, रसेन तृप्त प्रेम और आनंद के रस से जो परिपूर्ण हो रहा है, कुतश्च नून कहीं से भी नून नहीं है, सर्वत्र पूर्ण है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत प्रेम वाला है, अनंत सौंदर्य की राशि है, ऐसा है सच्चिदानंद परब्रह्म। आत्मानम धीरम अजरम युवानम, धीर है, अजर है, बुढ़ापे से रहित है, युवानम नित्य तरुण है, नित्य किशोर है, ऐसा स्वरूप है वह, हड्डी मांस का स्वरूप नहीं है वह, भूख प्यास से बाधित होने वाला स्वरूप नहीं है वह, ऐसा स्वरूप नहीं जिसमें रक्त है, रक्त मांस है, अनंत सौंदर्य की राशि ने एक किशोर स्वरूप का रूप धारण कर लिखा है, अनंत सौंदर्य, अनंत कांति, अनंत प्रेम, अनंत आनंद, आत्माओं के प्रीतम का वह स्वरूप प्रकट होता है, जिसको वेदों में संकेतिक रूप से कहा था, सबने यही कहा था कि परमात्मा कैसा है इसके विषय में हमारी बुद्धि कार्य नहीं कर पा रही है, उसको चंद्रमा की ज्योति से उपमा दें या सूर्य के तेज से उपमा दें, सागर की लहरों से उपमा दें या फूलों की सुगंध से, किसी की बुद्धि काम नहीं कर पा रही है। इसलिए सभी ने कहा था न इति न इति विवेक सिद्धि, सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, तत्व अभ्यासात न इति न इति विवेक सिद्धि, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, इसके बारे में कोई बोल नहीं पाता, नैतिक अर्थ क्या होता है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, चारों वेदों में
नियति शब्द नहीं है, किंतु उपनिषदों में दर्शन शास्त्रों में नेति नेति इसलिए कहा गया कि मन और वाणी से उस सच्चिदानंद परब्रह्म के स्वरूप की विवेचना नहीं हो सकती। मन तो वहीं तक बोलेगा जो इस सृष्टि में है, बुद्धि तो उसी की विवेचना करेगी जो इस जगत में है। जो इस जगत से परे है उसके बारे में मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक बोल सकती है, क्योंकि ये जो सूरज दहक रहा है किससे पैदा हुआ है? घोर अंधकार से। सृष्टि रचना से पहले जगत क्या था? कारण रूप में आसीत इदम तमोभूतम अतर्क्यम अप्रमेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः। किसी भी लक्षणों से यह जगत जाना नहीं जा सकता था, ऐसा कारण प्रकृति का रूप है। घोर अंधकार से जगत आवृत था, तम आसीत तमसाम गूढ़म अग्रे, और उसमें विस्फोट होता है, ओम की ध्वनि गुंजित होती है, प्रणों का रूप प्रतिपादित होता है, उसके संकल्प से परमाणु में कंपन होता है, गैलेक्सियां बनने लगती हैं, एक एक गैलेक्सी से असंख्य सूर्य चंद्रमा नक्षत्र दिखाई देने लगते हैं। जब महाप्रलय होगा ये सूर्य ये चांद ये सितारे सभी उसी महाशून्य में समा जाएंगे, घोर अंधकार चारों तरफ फैल जाएगा। आप इस पृथ्वी पर बैठकर आकाश को देखते हैं तो कहते हैं कि नीला है, आप 100 किलोमीटर ऊपर चले जाइए आपको ये नीला आकाश नहीं दिखाएगा, चारों तरफ काला आकाश दिखाई देगा, और उस काले आकाश में टिमटिमाते हुए ये चंद्रमा ये सूरज जैसे असंख्य नक्षत्र दिखाई देंगे। इतनी अनंत सृष्टि है यह, लेकिन इतनी अनंत सृष्टि जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ योग माया का ब्रह्मांड शुरू होता है, और योग माया का ब्रह्मांड जहाँ समाप्त होता है वहाँ से सौ लीला अद्वैत परमधाम की भूमिका शुरू होती है। यही कारण है कि सृष्टि में कोई भी निराकार और इस सृष्टि से परे के बारे में सोच ही नहीं पाया, सभी ने कण कण में उस परमात्मा को निराकार कहा, सर्वव्यापक कहा। सर्वव्यापक तो है वह, लेकिन प्रकृति में सत्ता से व्यापक है और स्वरूप से परमधाम में व्यापक है। सर्वम खल विदम ब्रह्म का कथन वहां घटित होता है। अब देवचंद जी के समक्ष अति सुंदर स्वरूप प्रकट होता है, अन्य किसी को वो स्वरूप नहीं दिखाई देता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे संभव है, यहां इतने सुंदर साथ बैठे हैं, सबकी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए तो सभी लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसकी पट्टी में से छेद कर दिया जाए, उसकी आंखें खोलने दी जाए तो वही देख पाएगा। बस यही कहानी है। यहाँ जितने लोग सुन रहे थे उस कथा में सबके ऊपर माया का आवरण था। राजीव उनके सामने राज कहते हैं, इंद्रो विश्वस्य राजति, जो सबको प्रकाशित करने वाला है उस परब्रह्म को राज कहते हैं। परब्रह्म का वह स्वरूप प्रकट होता है, देवचंद जी को दर्शन देता है। देवचंद जी इन्हीं नेत्रों से देख रहे हैं, क्योंकि उनके नेत्र भले ही खुले हों उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई होती है, माया का आवरण खुल चुका होता है। अब देवचंद जी जब भाव विह्वल होकर उस स्वरूप को देखते हैं, वो स्वरूप पूछता है कि देवचंद क्या तुम मुझे पहचानते हो? देवचंद जी कहते हैं कि नहीं। अंत में वो स्वरूप अपना परिचय देता है, देखो मैं क्षर अक्षर से परे सच्चित आनंद स्वरूप परब्रह्म हूं, तुम मेरी हिला नहीं सकते हो, तुमने माया का खेल देखने की इच्छा की थी और इसके लिए तुम्हें इस नश्वर जगत में आना पड़ा था, मैं पल पल तुम्हारे साथ रहा हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर माया का आवरण होने से तुम्हारी अंतर्दृष्टि नहीं खुल पाई थी और तुम मुझे देख नहीं पाई थी। परम धाम की जो भी आत्मा संसार में भटक रही है उनको परम धाम का ज्ञान देकर तुम्हें परम धाम ले आना है। देवचंद जी सोचते हैं कि ये दर्शन तो दुर्लभ है, अब जिसको मैंने अपना सर्वस्व माना आज मेरे नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा है, कहीं अलग ना हो जाए, इस चिंता में डूब रहे थे। उस स्वरूप ने कहा कि देवचंद मैं तुम्हारे धाम हृदय में ही विराजमान हूँ, कभी तुमसे अलग नहीं। यह सुनते ही देवचंद जी आह्लादित होते हैं कि जब मेरा प्रीतम मेरे से अलग होने
वाला ही नहीं है तो मेरे से भाग्यशाली और कौन होगा। देवचंद जी घर आ जाते हैं, अंदर में प्रकाश है अखंड ज्ञान का, अखंड प्रेम का। जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा फूटेगा अवश्य। परम धाम की एक आत्मा गांगजी भाई के नाम पर वहीं श्रवण करती थी उनके साथ ही भागवत की कथा। मार्ग में जाते समय एक दिन भेंट हो जाती है, जब देवचंद जी अखंड ज्ञान की बातें करते हैं कि बताओ गांगजी भाई, भट्ट जी जो 14 लोकों का वर्णन करते हैं और यह बताते हैं कि महाप्रलय में सब कुछ लय हो जाएगा, तो जिस परमात्मा को अखंड अभय अजर अमर आदित्य वर्ण वाला कहा गया है, वो उस परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा। अखंड ब्रजराज की बातें करते हैं लेकिन जब सारा ब्रह्मांडी लय को प्राप्त हो जाएगा तो अखंड ब्रजराज को हम कहाँ मानेंगे। यह सुनते गांगजी भाई चौंक जाते हैं, कहते हैं कि देवचंद जी आप जिस ज्ञान की बातें कर रहे हैं इस तरह की बातें तो कांची भट्ट ने कभी कही नहीं और मैंने कभी भी किसी से इस तरह की बातें नहीं सुनी है। देवचंद जी कहते हैं कि देखो अब परब्रह्म का आदेश समझो, उनकी प्रेरणा समझो कि जिन सत्य को मैंने छिपा रखा था वो तुम्हारे सामने अब मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। अपना सारा वृतांत किस तरह से उम्रकोट से भोजनगर आते हैं, हरिदास जी से मिलन होता है, किस तरह से उनसे दीक्षा लेते हैं, चितवनी में कैसे उनको 26 वर्ष की आयु में ब्रज विहारी के रूप में दर्शन होता है और पुनः नौतनपुरी में 40 वर्ष की आयु में परम धाम के प्रियतम अक्षरातीत ने दर्शन दिया, सारा वर्णन एक एक करके सुना देते हैं। गांगजी भाई को जब पहचान हो जाती है कि जिस देवचंद जी को मैं अपना सहचर माना करता था कि इनके साथ मैं भी भागवत की कथा का श्रवण किया करता था, वो एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, उनके अंदर अलौकिक ही परम धाम की आत्मा है जिनके धाम हृदय में स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म विराजमान होकर इस अलौकिक ज्ञान को दे रहे हैं। मनुष्य की पहचान प्राय किससे की जाती है, वाह्य वेशभूषा से, जिसका सुंदर रूप दिखता हो, जो अच्छे वस्त्र आभूषण धारण किए हो, जो अच्छे पद प्रतिष्ठा वाले हो वाला हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, प्रभाव वाला हो, उसको सामान्य रूप से श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला माना जाता है। लेकिन जैसे राख में अग्नि छिपी रहती है, अग्नि के ऊपर जब राख का आवरण पड़ जाता है तो उस राख को हटाए बिना अंदर की छिपी हुई अग्नि का पता नहीं चलता, वैसे ही जब देवचंद जी के मुख से जब तक ब्रह्मज्ञान का प्रकाश प्रकट न हो कोई भी उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता था, लेकिन अलौकिक ज्ञान का वर्णन सुनकर गांगजी भाई की आंखें खुल जाती हैं, उनको अपने घर पधराते हैं और किस भाव से सेवा करते हैं कि इनके हृदय में जब परब्रह्म विराजमान है तो मेरे लिए भी वही है। अनेक बाधाएं आती हैं, उनकी पत्नी संकुचित विचारों की होती है, वो जो सोचती है कि कब ये घर से जाएं, प्रायः यही होता है। कुछ माताएं बहनें जो संकुचित बुद्धि की होती हैं, जब घर में कोई अतिथि आ जाता है तो सोचती हैं कि अब मुझे तो भोजन बनाना पड़ेगा, इसलिए कोई ना कोई उत्पात मचाएंगे कि कहाँ से लोग चले आते हैं, प्रतिदिन मैं कब तक भोजन बनाया करूं। याद रखिए जिसके घर से अतिथि भूख हो जाता है उसका भाग्य नष्ट हो जाता है। किसी को भी अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हमारे घर कोई चल करके आया है, यदि आप स्वयं भूखों रहकर उसको खिलाते हैं तो आप धन धन हो जाएंगे। दुनिया जब तक रहेगी रंत देव का नाम याद किया जाएगा। रंत देव कई दिनों तक भूखे रहे, कई दिनों के बाद उनको भोजन थोड़ा सा मिला था, जैसे ही वे खाने के लिए बैठे एक भिक्षुक ने हाथ फैला दिया और राजा रंत देव ने जो कई दिनों से एक अन्न का दाना भी नहीं मिला था अपना भोजन भी उसको दे दिया था। इस दान के बराबर
आप वनों में घोर तप करते रहें वो भी बराबरी में नहीं आ सकता। एक गृहस्थ का सच्चा धर्म होता है कि घर आए हुए अतिथि की सेवा करें, किंतु जब देखा कि मेरी पत्नी में जरा भी श्रद्धा भावना नहीं है तो बहाना करके उसको मायके भेज दिया। अब देवचंद जी के घर अखंड ज्ञान की अब गांगजी भाई के घर पर अखंड ज्ञान की वर्षा प्रवाहित वर्षा होने लगती है। उस ज्ञान चर्चा का श्रवण करने के लिए पूरा जामनगर शहर, जिसको नौतनपुरी कहते हैं, उमड़ पड़ता है। कौन आएगा? जिसके अंदर परमधाम की जिज्ञासा होगी, परमधाम की आत्मा होगी, वह इस ज्ञान का श्रवण कर सकेगी। संसार में कथाओं को कहकर मनोरंजन तो कराने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन परम तत्व की प्यास किसके अंदर प्रायता होगी जो वहां का होगा? खारे जल की मछली को दूध में रखेंगे तो प्राण छोड़ देगी तड़प तड़प कर, लेकिन जो परमधाम की आत्मा होगी केवल परमधाम के ज्ञान का वही श्रवण करती है, और उनके ज्ञान का श्रवण करने वाली दूसरी आत्मा भी आती है, जिसके लिए बहुत पहले से भगवान शिव ने व्यास जी को कह रखा था, सुंदरी च इंद्रिया नमाभ्याम चंद्र सूर्य माया अंधकार विनाशाया प्रतिबुद्धे भविष्यतः कलयुगे। परमधाम की जो दूसरी आत्मा जिसको कहते हैं इंद्रिया, बोलचाल में इसका शब्द होगा इंद्रावती, ये तो यहां के भावों के अनुसार ये नाम लिए जा रहे हैं। परमधाम की एक आत्मा के द्वारा परमधाम के ज्ञान का प्रकाश होता है, परब्रह्म की हलादनी शक्ति के द्वारा। अब दूसरे तन से उस अलौकिक ज्ञान का विस्तार होगा, सारे ब्रह्मांड के लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। कहाँ है परमधाम? कैसा है परमधाम? हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार, जिस निराकार तक सारा संसार जाकर के थक गया, उस निराकार से परे का ज्ञान अब आया है, और एक आत्मा स्वयं को संबोधित कर रही है कि मेरी आत्मा हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार, तुझे कहाँ चलना है? निराकार के परे जो बेहद मंडल है, बेहद मंडल जिसको वेदों में चतुष्पाद विभूति कहा गया, योग माया का ब्रह्मांड कहा गया पुराण संहिता में और महेश्वर तंत्रों में और भागवत के अंदर, जिसके बारे में भागवत कहती है कि अखंड मंडलम रमान नाभम, अखंड मंडल वाला चंद्रमा था, इस नश्वर जगत का चंद्रमा नहीं था। लक्ष्मी के भी मुख को लज्जित करने वाला योग माया के ब्रह्मांड का वह चंद्रमा था, जिसके एक एक कण में अनंत सूर्यों का प्रकाश है। अखंड मंडलम रमान नाभम वनम च तत् कोमल गोविरंजितम जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम, ऐसा वो विचित्र स्वरूप है योग माया के ब्रह्मांड का, जहाँ के कण कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, करोड़ों चंद्रमा की शीतलता है, कण कण चेतन है, प्रेम और आनंद से भरपूर है, जिसको केवल ब्रह्म की भूमिका कहते हैं, रसो वैसा है। वहां महाराज सुई थी, उसके भी परे वो स्वलीला अद्वैत परम धाम है, जिसके लिए वेद कहते हैं यत्र आनंदाह च मोदाह च मुद प्रमदा आस्ते कामस यत्र कामा तत्र माम अमृतम कित इंद्रा इंदु परिश्रवा, जहां आनंद ही आनंद है, प्रेम और आनंद के सिवा और कुछ नहीं, प्रेम है आनंद है एकत्व है सौंदर्य है कांति है, जिसके लिए वेदों ने कहा शुक्र ज्योति चित्र ज्योति सत्य ज्योति ज्योतिष्मान च शुक्रम चरित्या च तन्या च, अनंत नूरमयी ज्योति है, अद्भुत ज्योति है, वह ज्योति संसार में नहीं है, सूर्य में नहीं, चंद्रमा में नहीं, नक्षत्रों में नहीं, आकाश गंगाओं में नहीं, विद्युत में वो ज्योति नहीं, क्योंकि ये तो जड़ ज्योतियां हैं, अंधेरों से पैदा हुई ज्योतियां हैं, वह ज्योति है वरेण्यम भर्ग गायत्री मंत्र में जिसको वरेण्यम भर्ग कहा गया, पुरुष में जिसको आदित्य वर्ण कहा गया, वह परब्रह्म की ज्योति है वहां, और परब्रह्म अपने स्वलीला अद्वैत स्वरूप से नित्य तरुण स्वरूप से विराजमान है अपनी हलादिनी शक्ति के साथ, उसकी आत्माएं भी उसी के तदोगत स्वरूप धारण कर क्रीड़ा करती है, जैसे सागर अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही सच्चिदानंद परब्रह्म की अनंत क्रीड़ा जहाँ होती है
उस परम धाम का ज्ञान अब यहाँ से प्रस्फुटित होता है, जिसको जानने के लिए संसार ललायत हुआ बैठा था। सबने माना था कि सच्चिदानंद परमात्मा है, वो आनंद का सागर है, तो परमात्मा अकेले क्या चुपचाप बैठा रहता है? क्या वो मौनी बनकर, मौनी बाबा बनकर के बैठा रहेगा? एकांत में क्या करेगा? यदि वो सृष्टि के कण कण में व्यापक हो रहा है तो सारी सृष्टि में दुख क्यों है? जन्म मरण का चक्र क्यों है? तृष्णा की पीड़ा क्यों है? वासनाओं का ज्वार क्यों नहीं थमता? जब लौह अग्निवत ब्रह्म की साधर्मता को प्राप्त किया जाता है तो ब्रह्म की अनुभूति होती है। सारा संसार यदि ब्रह्म रूप है तो दुख तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मरूपता तो जगत से परे मिलेगी और माया के संसार से परे। स्वलीला अद्वैत परब्रह्म का ज्ञान इन पंक्तियों से प्रारंभ होता है कि निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, और इन्हीं को तारतम वाणी में इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहां है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार। अब इसको मधुर स्वरों में सुनिए। हो मेरी वासना तुम चलो आगम के पार, हो मेरी वासना तुम चलो आगम के पार, आगम पार अपार पार जहाँ है तेरा करार, तू देख निज दर बार अपनो सूरत एही संभार। हो मेरी वासना तुम चलो आगम के पार। अब आप कल सुनेंगे किस तरह से परम धाम की आत्माओं का आगमन प्रारंभ होता है। एक नए स्वरूप से लीला प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें परम धाम के अखंड ज्ञान का प्रकाश करने वाली वाणी का अवतरण होगा और उनके चरणों में आएंगे महाराजा छत्रसाल। औरंगजेब भी तरस रहा है कि उन चरणों में पहुंच जाऊं, लेकिन शरीयत की दीवारों से ऐसा बता हुआ है कि चाह कर भी नहीं आ पाएगा। वह कथा आगे बहुत ही रोचक होने वाली है और उसको प्रारंभ करेंगे कल से।